दोस्तों कैसे हैं आप। आज हम लोग स्टडी करेंगे फ्लेमिंगो बुक के सेकंड चैप्टर लास्ट स्प्रिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड का। यदि आप इस चैप्टर से रिलेटेड लाइन बाय लाइन स्टडी करना चाहते हैं हिंदी में तो इसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उस पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जिसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर और कीवर्ड का डिस्कशन करेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड की जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। रैग पिकर, इसका मतलब होता है गार्बेज पिकर यानी कचड़े चुनने वाला, ठीक है। साहिबे आलम, साहिबे आलम इस स्टोरी का, इस चैप्टर का एक कैरेक्टर है जो एक रैग पिकर है, मतलब कचरा चुनने वाला है। और साहिबे आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का गॉड। मुकेश, यह एक कैरेक्टर है इस चैप्टर का और ये एक बैंगल मेकर का बेटा है, सन ऑफ बैंगल मेकर, ठीक है। कैनिस्टर, एक कंटेनर मेड ऑफ टीन, यह एक डब्बा है जो टीन का बना हुआ है। एक्विटेंस, इसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन, किसी से जान पहचान। एमिडस्ट मतलब मिडिल यानी मिडल समथिंग, मतलब किसी भी चीज के बीच में हो, दैट इज कॉल्ड एमिडस्ट। परपेचुअल, इसका मतलब होता है नेवर एंडिंग, कभी भी खत्म ना होने वाली चीजें। टैटर्ड, टैटर्ड का मतलब होता है ओल्ड, फटा हुआ, पुराना। ओल्ड क्रैक्ड क्लोथ मतलब फटा हुआ कपड़ा, पुराना। स्क्राउंजिंग, इसका मतलब होता है लुकिंग फॉर, देखना, खोजना। स्क्राउंजिंग का मतलब होता है खोजना। केयर फ्री, फ्रीडम फ्रॉम एन एग्जाइटिंग एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। केयर फ्री का मतलब होता है कि किसी भी टेंशन से मुक्त, किसी भी चिंता और जिम्मेवारी से मुक्त और अल्हड़, एकदम मस्त अपने हिसाब से काम करने वाला। फर्नेसिस, हीटिंग सिस्टम, ये एक तरह का होता है भट्टी जिसको बोलते हैं, जिसपे किसी भी चीज़ को गर्म किया जाता है। पर्टिकुलर इस चैप्टर में भट्टी इसलिए कहा गया है क्योंकि ग्लास को उसी पे वार्म किया जाता है और उससे बैंगल बनता है। मिराज का मतलब होता है फॉल्स अपियरेंसेस, यानी आपको लगता है कि है कोई चीज़ें बट वो एक्चुअली में होता नहीं है या आपको प्रतीत होता है। विशेष, इसका मतलब होता है करप्ट, भ्रष्ट लोग, भ्रष्ट। मुरमुर, इसका मतलब होता है स्पीक इन वेरी लो साउंड, जैसे बुदबुदाना, एकदम किसी से हम बोलते हैं ना हम नहीं करेंगे वो ऐसे, तो दैट इज कॉल्ड मुरमुर। तो दोस्तों ये था कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड जिसको आप यूज करेंगे एग्जाम्स में तो आपके जो है मार्क्स ज्यादा आने के चांसेस है, तो आप इसको यूज कीजिएगा, ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। क्वेश्चन ये है कि साहेब गार्बेज में क्या ढूंढता है, जो गार्बेज डंप किया जाता है मतलब एक जगह कचरा रखा जाता है उसमें से क्या ढूंढता है। वेयर इज ही, वह कहाँ पे है, और वेयर हैज ही कम फ्रॉम, और कहाँ से वो आया है। तो यहाँ पे आंसर है इसका, ही इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन गार्बेज, वह गार्बेज जो कचड़े में गोल्ड ढूंढता है। गोल्ड का मतलब हेयर मीनिंग ऑफ गोल्ड इज सम प्रीसियस थिंग विच इज वर्थ ऑफ मनी। गोल्ड का मतलब एक्चुअली गोल्ड नहीं होता है, इसका मतलब क्या होता है, कुछ प्रीसियस वैल्यूएबल ऐसी चीज जो पैसे के लायक हो, जिसको सेल करके कुछ पैसा वो पा सके। ही इज इन सीमापुरी दिल्ली, करंटली वो सीमापुरी और दिल्ली में है। एंड ही हैज कम फ्रॉम ढाका बांग्लादेश, वह ढाका का जो बांग्लादेश की राजधानी है वहां से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रेन नॉट वेयरिंग फुटवियर। जो ऑथर है, लेखिका है, वो क्या एक्सप्लेनेशन देती है किसके लिए, जो फुटवियर नहीं पहन रही है उनके लिए। थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रेन इन आवर कंट्री बिलोंग टू द अंडर प्रिविलेज क्लासेस, हजारों लोग हमारे देश में हैं, लाखों लोग ऐसे देश में हैं, मतलब नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी वंचित क्लास से हैं। दे आर टू पुअर टू अफोर्ड फुटवेयर, वो इतने गरीब हैं कि वो फुटवेयर यानी चप्पल या जूते नहीं पहन सकते। सम ऑफ देव गिव ट्रेडिशन एज एन एक्सक्यूज टू रिमेन बेयर फुट, कुछ लोग इसमें क्या है ये बहाना बनाते हैं, एक्सक्यूज मतलब बहाना बनाते हैं क्या कि हम लोग खाली पैर ही रहते हैं। बट द ऑथर थिंक इट इज इट टू बी जस्ट ए फेक एक्सक्यूज, लेकिन लेखिका को ये लगता है ये सिर्फ फर्जी झूठा एक
बहाना है क्या, क्यों? क्योंकि आप चप्पल नहीं पहनते, इसलिए सिर्फ एक झूठा बहाना बना रहे हैं। इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? एक्सप्लेन। क्या साहेब खुश है टी स्टॉल पे काम करके? इसको एक्सप्लेन करें। नो साहेब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। नहीं, साहेब खुश नहीं है टी स्टॉल पे काम करके। ही इज गेटिंग पेड 800 रुपीज एंड ऑल हिज मील्स बट ही हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम। उसे 800 रुपये मिल रहे हैं महीने का और ऑल हिज मील्स मतलब सारा खाना जो भी वो खाता है वो मिल जाता है, बट ही हैज़ लॉस्ट हिज फ्रीडम मतलब उसकी आज़ादी छिन चुकी है। हिज फेस इज लॉस्ट द फ्रीडम लुक, सॉरी केयर फ्री लुक। उसका जो फेस है, शक्ल है, वो केयर फ्री मतलब एकदम अल्हर जो मस्त लुक था वो खत्म हो चुका है उसका। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर दैन हिज प्लास्टिक बैग। जो स्टील का कैनिस्टर है वो काफ़ी भारी दिख रहा है, उसमें ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है उठाने के, कंपैरिजन टू हिज प्लास्टिक बैग जो पहले वो रैग पिकिंग का कचरा चुनने का काम करता था उससे ज़्यादा हैवी है। ही इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। वह अब खुद का अपना खुद का मालिक नहीं है। ही इज़ अ सर्वेंट एट टी स्टॉल। वह एक क्या है, नौकर है। कहाँ पे? टी स्टॉल पे। वॉट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? फिरोजाबाद जो शहर है उसको क्या चीज फेमस करता है, मतलब प्रसिद्धि क्या दिलाता है? द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। जो फिरोजाबाद शहर है वो किस लिए फेमस है? चूड़ी के लिए। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। जो लगभग हर दूसरा फैमिली है वो चूड़ी बनाने के काम में एंगेज्ड है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। यह जो है इंडिया के ग्लास ब्लोइंग शीशे से बनने वाले किसी भी चीज़ का जो उद्योग है उसका सेंटर है, केंद्र बिंदु है। फैमिलीज हैव स्पेंट जेनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। जो फैमिली है, कई परिवारें ऐसा है जो कई पीढ़ियों से, जनरेशन से यही काम कर रही है। क्या? जो फर्नेसिंग का मतलब भट्टी का काम, किस चीज़ का? वेल्डिंग ग्लास मतलब शीशों को जोड़ना चूड़ी बनाने के लिए, मेकिंग बैंगल्स चूड़ी बनाना, ऑल फॉर द वुमेन इन द लैंड। जितने भी महिलाएं हैं इस धरती पे सबके लिए चूड़ियाँ ऐसा लगता है यहीं पे बनता है। इट सीम्स एज पर ऑथर, ऑथर के हिसाब से, लेखिका के हिसाब से ऐसा लगता है कि जो जितने भी यहाँ पे धरती पे महिलाएं हैं सबके लिए बैंगल्स कहाँ बनता है? यहीं पे बनता है, फिरोजाबाद में। मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। और कुछ ऐसे समस्याएं जो कठिनाइयां हैं उसको हम लोग बताइए जो इस इंडस्ट्री का है, देखते हैं इसका आंसर क्या है। द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री हैज़ ए वेरी हैजार्ड वर्किंग एनवायरनमेंट। जो ग्लास बैंगल जो शीशे की चूड़ियां बनाने वाली इंडस्ट्री है बहुत ही कठिन वर्किंग एनवायरनमेंट है। पीपल वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर्स। जो लोग यहाँ पे काम करते हैं वो ग्लास फर्नेसेस मतलब शीशे की भट्टी जो होती है जिसपे उसे गर्म किया जाता है वो काफ़ी हाई टेम्परेचर में यहाँ पे काम करते हैं। इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, एकदम धुंधला जगह पे, ठीक है, बिना हवा और प्रकाश के काम करते हैं। मोस्ट एंड अप लूजिंग देयर आई साइट इवन बिफोर दे बिकम एडल्ट। इसमें काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं यंग होने से पहले, मतलब जवान होने से पहले खो देते हैं। एडिंग टू देयर माइजरी, और उनका जो समस्या है उसमें और कष्ट क्या बढ़ाता है। दे आर कॉट इन विशियस सर्कल ऑफ पीपल हु एक्सप्लॉयट देम। और वो ऐसे जगह पकड़े जा चुके हैं, फंस चुके हैं, जो वीसीस मतलब भ्रष्ट लोगों के ग्रुप में जो उनको एक्सप्लॉयट करता है मतलब मिसयूज करता है। हाउ इज मुकेशस एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। मुकेश का जो एटीट्यूड है वो कैसे अलग है अपने परिवार के अन्य सदस्य के मेंबर्स के कंपैरिजन में, देखते हैं उसको। मुकेश बिलोंग्स टू ए पुअर फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स। मुकेश जो है एक गरीब परिवार से बिलोंग करता है जो चूड़ी बनाता है, बट हिज एटीट्यूड इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली। जो उसका खुद का एटीट्यूड है वो अपने परिवार से बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड का है। ही वॉन्ट्स टू ब्रेक द फैमिली ट्रेडिशन ऑफ बैंगल मेकिंग। वो परिवार की इस ट्रेडिशन जो परंपरा है उसको तोड़ना चाह रहा है। किस कौन सा परंपरा है? बैंगल मेकिंग का, मतलब चूड़ी बनाने की जो परंपरा है उसके परिवार में उसको वो तोड़ना चाह रहा है।
ही इज डेयरिंग एंड डिटरमाइंड, उसके अंदर साहस है और वो खुद दृढ़ निश्चय है. ही हैज होप्स एंड ड्रीम्स, उसको आशा है और एक सपना है क्या कुछ करने का. ही वॉन्ट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाह रहा है. तो ये उसके मुकेश का डिफरेंस है सिचुएशन और एटीट्यूड. एटीट्यूड डिफरेंस है किस सिचुएशन से, फैमिली का जो सिचुएशन है. फैमिली में कोई कोशिश नहीं करता है किस चीज़ का, क्योंकि डिफरेंट चीज़ सोचने का, वो सिर्फ बैंगल बनाने में ही उनको लगता है बैंगल ही हमारा फ्यूचर है और यही हम कर सकते हैं. What could be some of reasons for the migration of people from villages to city? क्या कारण हो सकता है कि लोग गांव से शहर की तरफ माइग्रेट होकर के आते हैं, उसको देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर. People migrated from village to cities in search of livelihood. वो अपनी जिंदगी के लिए, एक अच्छे लाइफ के लिए गांव से शहर की तरफ आते हैं. Their fields fail to provide the basic necessity to survival. उनका जो खुद का जगह होता है, जो होम लोकेशन है, वो बेसिक नेसेसिटीज मतलब मुख्य चीज़ें क्या होती है, फूड और अदर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर नहीं कर पाते हैं, जो कि सर्वाइवल जिंदा रहने के लिए सबसे मुख्य जरूरी चीज़ें हैं. सिटीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट जॉब्स और अदर वे ऑफ गेटिंग फूड्स. जो शहर होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयमेंट रोजगार जॉब्स मतलब कुछ ना कुछ काम देता है और अदर वे कोई ऐसा काम दे देता है जिससे आपका भोजन का काम चल जाता है. जैसे रैग पिकर्स का काम कोई जॉब नहीं है बट उससे क्या है काम चल जाता है उन लोग का. द प्रॉब्लम इन द केस ऑफ द पुअर इज टू फीड हंग्री मेंबर्स. जो पुअर लोग होते हैं उनका जो समस्या है क्या, अपने घर के जो लोग हैं भूखे लोग हैं उनको खाना खिलाना एक बहुत बड़ी समस्या है. सर्वाइवल इज ऑफ प्राइमरी कंसर्न. जो सर्वाइवल जो जिंदा रहने के लिए जो मुख्य कंसर्न होता है क्या, भोजन चाहिए, वो सबसे मुख्य कंसर्न है और इस कारण लोग गांव से शहर की तरफ जाते हैं. वुड यू अग्री दैट प्रोमिसेस मेड टू पुअर चिल्ड्रेन आर रेयरली केप्ट. क्या आप इस बात से अग्री करते हैं, सहमत होते हैं कि जो गरीब लोगों के साथ प्रोमिस किया जाता है वो प्रोमिस पूरा किया जाता है. वाई डू यू थिंक दिस हैपन्स इन द इंसिडेंट नैरेटेड इन द टेक्स्ट. ऐसा आप क्यों सोचते हैं जो कि इस टेक्स्ट में नैरेट किया गया, इस चैप्टर में नैरेट किया गया है, क्योंकि गरीब के साथ प्रॉमिस किया गया है और हुआ नहीं है. ठीक है, इसका आंसर देखते हैं हम लोग. इट इज रियली ट्रू दैट प्रोमिस मेड टू द पुअर चिल्ड्रेन आर सेल्डम केप्ट. ये एकदम सच्चाई है. क्या वास्तविक सच्चाई है कि जो हम लोग गरीब लोगों के साथ या कोई भी व्यक्ति जो गरीब लोगों के साथ प्रॉमिस करता है वो रेयरली रखता है, मतलब 100 लोग करता है उसमें से एक दो लोग उस प्रॉमिस को पूरा कर पाता है, बहुत कम लोग पूरा कर पाते हैं. इन द स्टोरी दिस हैपेंस बिकॉज ऑथर वॉज नॉट रियली सीरियस व्हेन ही मेड द प्रॉमिस टू साहेब. इस स्टोरी में क्या होता है, हैपेंस द ऑथर वॉज नॉट रियली सीरियस, जो लेखिका है वो वास्तविक में सीरियस नहीं होती है जब उन्होंने साहेब से प्रॉमिस किया, जस्ट एक पूछ लिया था. ठीक है, साहिबा ने जस्ट पूछा था, सॉरी लेखिका ने जस्ट पूछा था, बट साहेब इसको एक्चुअली प्रॉमिस समझ लिया था. ही हैड नॉट इमेजिन दैट साहेब कुड रियली बी सीरियस अबाउट गोइंग टू स्कूल. और लेखिका को ऐसा नहीं लगा था, ऐसा प्रतीत नहीं हुआ था कि साहेब रियली सीरियस हो जाएगा किस चीज़ के लिए, स्कूल जाने के लिए. इवन व्हेन ही मेड द प्रॉमिस, जब लेखिका प्रॉमिस कर रही थी, द ऑथर सेज ही वॉज हाफ जोकिंग. और लेखिका ये भी कहती है जब प्रॉमिस कर रही थी तो हाफ जोकिंग मतलब मतलब ऐसी मजे में बोल रही थी, मजाक कर रही थी. सो हाउ कैन वन कीप ए प्रॉमिस मेड एज ए जोक. तो यहाँ पे लेखिका ये कहती है कि कैसे लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, कैसे लोग प्रॉमिस को कंप्लीट कर सकते जो सिर्फ एक मजाक में कहा गया है, ये एक प्रॉमिस नहीं है. बट साहिब के लिए यह एक प्रॉमिस था, क्योंकि एक उसकी धुंधली अंधेरी दुनिया में ऐसा लगा था कि उसको कुछ उजाला मिल जाएगा, कुछ एक होप दिखेगा. इनफैक्ट ही नेवर मेंट टू कीप द प्रॉमिसेस. और एक्चुअली क्या था कि साहिबा सॉरी लेखिका का मतलब ही नहीं था कि वो प्रॉमिस जो कर रहे उसको वो पूरा भी करेंगी. व्हाट फोर्सेस कंस्पायर्स टू कीप द वर्कर्स इन द बैंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी. क्या ऐसा कॉन्स्पिरसी है
जो वर्कर्स है वहाँ के जो लेबर्स है उसको बैंगल इंडस्ट्री के उसको गरीबी में ही रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उस पर देखते हैं इस क्वेश्चन का, कौन सी ये ताकत है। बेसिकली ये क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कौन सी ये ताकत है जो वहाँ के वर्कर्स है उसको गरीबी में ही रखते हैं। ठीक है, बैंगल मेकर्स थिंक दैट इट इज द ओनली स्किल दे पोजेसेस। और चूड़ी बनाने वाले जो लोग हैं बैंगल मेकर्स हैं, वो उनको ऐसा लगता है वो सिर्फ उनके पास यही स्किल्स है क्या चूड़ी बनाने का। दे हैव बिलीव दैट इट इज द ओनली वर्क दे कैन डू एज दे आर बॉर्न इन कम्युनिटी ऑफ बैंगल मेकर्स। और वो यह विश्वास करते हैं कि वो सिर्फ यही काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसे कम्युनिटी में पैदा हुए हैं, जन्म लिए हैं, जहाँ पे सिर्फ चूड़ी ही बनाया जाता है। मोर ओवर दे हैव फॉलन इन टू द क्लचेस ऑफ द विशियस मिडिलमैन, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, साहूकार्स एंड पुलिसमैन। और इसके ऊपर क्या है कि वो एक ट्रैप में फंस गए, उनके जो एक ट्रैप है उसमें फंस गए हैं। किसके? विशियस मतलब भ्रष्ट लोग के, मिडिलमैन जो बिचौलिए होते हैं उनके, पॉलिटिशियंस राजनीतिक व्यक्ति के, ब्यूरोक्रेट्स और साहूकार। ब्यूरोक्रेट सरकारी अधिकारी, साहूकार जो पैसे देते हैं लोन्स पे, और पुलिसमैन, इन सब के एक जाल में वो लोग फंसे हुए हैं। दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो आप कमेंट करके बताइएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर था जो कि इस चैप्टर से था, लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर से। इनकेस कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो लगता है जिसका आंसर आप नहीं ढूंढ पाते हो, डिफिकल्टी हो रही, तो आप कमेंट में क्वेश्चन मेंशन कीजिए, आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू आंसर। यदि आप इस चैप्टर को थोरली स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से मैंने वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।